प्रथम प्रथम बेटा सुनो तो, सुनो प्रथम बेटा, तुम गौरी की बात का बुरा मत मानना। वो इस वक्त गुस्से में है और तुम तो उसका गुस्सा जानते ही हो ना। अंदर आओ ना बेटा, प्लीज प्लीज अंदर आओ। अब मैं चलूंगा, नमस्ते। बेटा मेरी बात तो सुनो, आजकल ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले मित्तल साहब की गलतफहमी और अब ये। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, गौरी को मैं समझा दूंगी। उसने अभी जो कुछ भी कहा है वो ना समझे में कहा है। और हाँ बेटा, तुमसे एक विनती है, तुम अपने घर वालों को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम्हारे परिवार वालों को मालूम पड़ गया तो। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नमस्ते। थैंक यू बेटा, नमस्ते। ये सब क्या है गौरी? अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मित्तल साहब ने भी तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुम्हें शादी से इनकार क्यों है? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मगर क्यों? बेटी परिवार की इज्जत की भी तो सोचो, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इसकी आपको परवाह है माँ? मगर उन लोगों ने मुझे गलत समझकर मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की, उसका क्या? कोई बात नहीं बेटी, इंसान से गलतफहमी हो जाती है। आज गलतफहमी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया, कल सगाई के बाद अगर गलतफहमी हो तो सगाई तोड़ देंगे, शादी के बाद कोई गलतफहमी हो तो शादी तोड़ देंगे। आखिर कब तक ये लोग हमारी इज्जत का मजाक बनाते रहेंगे? कब तक मेरी लड़की होने की सजा आप लोगों को देते रहेंगे? तुम किस सजा की बात कर रही है बेटी? वो लोग माफी मांग चुके हैं, वो लोग अपने किए पर शर्मिंदा है। नहीं माँ, अब चाहे मेरी जिंदगी का कुछ भी अंजाम हो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तू जबरदस्ती बात को बढ़ा रही है। मैं बात को बढ़ा नहीं रही हूँ माँ, बल्कि मैं तो बात को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। सोचिए माँ, जो परिवार असलियत जानने के बजाय लोगों की कही सुनी बात पर भरोसा करता हो, उस घर में आपकी बेटी कैसे खुश रह सकती है? उस परिवार में कभी भी कोई भी उंगली उस पर उठ सकती है। आज तो गलतफहमी दूर हो गई, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा गलतफहमी दूर हो जाए। माँ मैंने कभी भी आपकी कोई भी बात नहीं टाली है, लेकिन आज मुझे मजबूर मत कीजिए माँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। करण बोल रहा हूँ। तुमने कैसे फोन किया? बड़े मुश्किल से मुझे कल कोर्ट की डेट मिली और इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं। मैं चाहता हूँ कि जज के सामने तुम कहो कि मैं मुझसे डाइवोर्स। और अगर मैं ना कहूँ तो? मुझे पता तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं ही तुमसे डाइवोर्स नहीं चाहता, बल्कि तुम भी रिश्ते से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो। अगर तुमने कुछ ऐसा किया जो मैं नहीं चाहता तो मुझे तुम्हारे पास कोर्ट के नोटिस भिजवाने पड़ेंगे। करण तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सरकार की बातों में बस बर्बाद मत करो, इसी में हम दोनों की भलाई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ करण कि हमारे इस डिवोर्स में किसका सबसे ज्यादा फायदा है। एनीवे टाइम बताओ। 10 बजे। ओके। ए, क्या ऐसे क्यों बैठे हैं? चल ना डांस करते हैं। हाँ यार चल प्रथम, कम ऑन लेट्स डांस। नहीं यार, हिना और पिंकी भी आई है। मेरा मूड नहीं है यार, तुम लोग जाओ। एनी प्रॉब्लम? नो यार। आर यू श्योर? हाँ यार, मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। ठीक है। मैं जीत कर भी हार रहा हूँ और वो गौरी हर हारी हुई बाजी जीत। We'll be right back.
मुझे शादी के लिए डांट रहा है, उसने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की। कुछ मत बोलना प्रथम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है जो तू अपने आप से बातें कर रहा है, पता क्या बात है? मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बोलने से बात समझ में नहीं आती क्या? For God's sake, just leave me alone. ठीक, नहीं बताना चाहता तो मत बता, मगर इतना ध्यान रखना प्रथम, अगर प्रॉब्लम घर के बाहर की हो तो हमेशा अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, और अगर घर की हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। चल अंदर आ सकती हूँ? आप यहाँ? अंदर आने के लिए नहीं कहूंगा, आइए आइए ना। काफी सुंदर घर है तुम्हारा। थैंक्स। मम्मी पापा बाहर गए, मैं कुछ तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसमें तुम्हारे लिए गले का हार है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सगाई के दिन पहन कर आओ। सगाई? मगर मैं तो, तुम प्रथम से शादी नहीं करना चाहती ना? नहीं करना चाहती ना? मुझे प्रथम ने सब कुछ बता दिया, माना कि गलती हमसे हुई, मगर प्रथम तो तुम्हारे साथ था, उसका तुम पर पूरा भरोसा था, फिर हमारी गलती की सजा प्रथम को क्यों दे रही है? लेकिन आंटी, मैं जानती हूँ जो कुछ तुम्हें सहना पड़ा उसका दर्द किसी से माफी मांगने से नहीं कम होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं पूरे मित्तल परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ठीक ही तो कह रही हूँ, न जाने प्रथम के बाबूजी ने गुस्से में आकर तुम्हें क्या कह दिया था, उनकी बातों का पूरा मत मानना, जैसे बचपन में बच्चों को बेवजह माँ बाप डांट देते हैं वैसे ही तेरे पिता समान ससुर जी ने तुम्हें डांटा, उन्हें अपना पिता समझकर माफ कर दे बेटी। देख बेटी, रिश्ता चाहे कोई भी हो, उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है, और इन्हें दुखों की वजह से हर रिश्ता मजबूत बनता है। हो सकता है इन्हीं दुखों तकलीफों की वजह से तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता और मजबूत बन गया हो। अगर तुझे ऐसे लगता है कि इस रिश्ते के लिए ना करने के बाद तू खुश रह सकती है तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन इतना याद रखना कि इससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तेरे माँ बाप को भी बहुत दुख पहुंचेगा। जितने अरमान मुझे हैं अपने प्रथम के बहू बनाने के लिए, उसे कई ज्यादा सपने उन्होंने सजाए होंगे तेरी शादी के लिए। हम सबकी खुशियां अब तेरे हाथ में है। मैं यह हार छोड़कर जा रही हूँ अपने बहू के घर के लिए, बाकी तेरी मर्जी। मिस्टर राजेश, आप एक बार फिर सोच लीजिए, इस डील में आप ही का फायदा। आप बिल्कुल ठीक करे सिंघानिया साहब, लेकिन मैं ऑर्डर ले नहीं सकता, हमारे पास एक्सपोर्ट के काफी ऑर्डर्स हैं, उसे कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, व्हाई डोंट यू स्पीक टू मिस्टर तेजवानी, मुझे लगता है कि आपका ये ऑर्डर वो सही वक्त पर जरूर पूरा करना है। आई कांट टॉक टू हिम, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पिछली बार उसके यहाँ एक पुलिस केस बना था जिसमें पता चला था कि वो अपने ड्राई फ्रूट के साथ ड्रग्स भी एक्सपोर्ट करता है। एनीवेज मिस्टर राजेश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, जबकि मेरे मुताबिक इसमें आपको लगभग 2 करोड़ का फायदा होने वाला है। 2 करोड़ का? आयुष, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, ये ऑर्डर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसी आपकी मर्जी। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, आप अगर अपना माइंड चेंज करें तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली। ओके, नाइस टू मीट यू।
10 को। इसके सामने कैसे रिएक्ट करना चाहिए लगता सिखाना पड़ेगा तुझे। क्या जरूरत थी 2 करोड़ सुनते ही आंखें चौड़ी करने की? पापा मैं इससे पहले हमारी कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिले थे, क्या समझते हो तुम अपने आप को? बोलिए ना, ध्यान दीजिए, उसे ध्यान नहीं रहा सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके आई एम सॉरी पापा। भैया वो कल डिस्पैच होने वाले माल को एक बार चेक कर लेते हैं। कम ऑन चेयर अप। अजय जी हेलो। कौन? स्मृति जी, वो मैं गौतम, वो उस दिन आपके घर आया था ना। हाँ हाँ, कैसे हैं आप गौतम जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप यहाँ? स्मृति जी मैं यहीं से गुजर रहा था, आपको बस पर खड़े देखा तो। हाँ। वैसे आप किस तरफ जा रही हैं? मैं लिंक रोड की तरफ जा रही हूँ। ओह, मैं भी लिंक रोड ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ देती हूँ। नहीं गौतम जी, मैं बस के लिए इंतजार कर रही हूँ, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? तकलीफ की क्या बात है स्मृति जी, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं गौतम जी, देखिए ना मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको लिफ्ट नहीं दूंगा, प्लीज आइए आज। गौतम जी देखिए स्मृति जी, आप मुझे सिर्फ गौतम कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो गौतम जी थोड़ा बड़ा बड़ा साउंड करता है ना स्मृति जी? स्मृति जी के बजाय मुझे स्मृति सुनना अच्छा लगता है। ओके देन स्मृति राइट, गॉट इट, कम लेट्स गो। हमें अपने बेटे के लिए प्रीति जैसे लड़की की ही तलाश थी, समझे ये रिश्ता पक्का है। हमें प्रीति बेटी पसंद आई है और आज के बाद से हमारी प्रीति आपके पास अमानत के रूप में रहेगी। अरे इसके पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गौरी बेटा अपने पापा को जरा फोन मिलाना, आई नहीं हुआ बेटा। मम्मी मैंने अभी पापा से फोन पे बात की, वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, मीटिंग खत्म होते घर आ जाएंगे। लीजिए बहन जी। नमस्ते आंटी। आंटी हम प्रथम के दोस्त हैं, मैं यश और जी मैं थे। आंटी प्रथम ने ही हमको यहाँ भेजा है ये देने के लिए। ये क्या है जी? ये सगाई का सामान है जो आपने प्रथम और गौरी के रिश्ते के लिए दिया था। आंटी अब जब गौरी और प्रथम का रिश्ता टूट ही गया है तो फिर आप इसे रख लीजिए। बेटे मगर शायद भगवान को गौरी और प्रथम का मिलना मंजूर ही नहीं था। सच कहूँ तो जिस दिन प्रथम और गौरी कॉलेज में पकड़े गए थे ना, उस दिन हमें बहुत दुख हुआ, मगर बाद में जब इन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर आंटी आप गौरी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिए, ये प्लीज़ आप रख लीजिए। देखिए कुछ नहीं, अब हम सब समझ गए हैं। हम लोगों ने जब आपके साथ रिश्ता जोड़ने की सोची थी तभी हमें बहुत से लोगों ने समझाया था। उन लोगों का कहना था कि आपकी बड़ी बेटी का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन तब हमने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा जब लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए राजी ही है तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन अब हमें पता चला कि यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। जी आप ऐसा मत कहिए, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया। अब मुझे क्या पता कि सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, और जब बड़ी लड़की ऐसी हरकतें करेगी तो छोटी पर उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। आंटी हम गलत समझ रहे हैं। उल्टा मैं पहले गलत समझ रही थी और अब हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुझे नहीं जोड़ना अपने बेटे का रिश्ता इस घर में। ऐसा मत करिए।
फैसला कर लिया है, अब हम जाएंगे। हमें ये रिश्ता मंजूर बिल्कुल नहीं है। चलो होना ही था गौरी। दुनिया अंधी नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है दुनिया को। तू क्या समझती है सब कुछ तेरे हिसाब से चलता है? अरे किस किस का मुंह बंद करेंगे हम लोग? बड़ी मुश्किल से तो बदनामी से पीछा छूटा था और तूने शादी से ना करके फिर से न जाने और कितने दिन ये सब देखना पड़ेगा। प्रीति, कौन शादी करेगा मेरी प्रीति से? तेरी वजह से अब उसकी भी जिंदगी खराब हो गई है। क्या पाप किए थे जो ये सब? माँ, मैं प्रथम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ माँ, मैं प्रथम से शादी करूंगी। सच बेटी? हाँ माँ। मैं अभी तेरे पापा को फोन लगाती हूँ। पैदल आए आप? नहीं, गाड़ी है ना। कोई है क्या गाड़ी में? नहीं नहीं, कोई कोई नहीं है गाड़ी में, तो हम दोनों ही बस आए थे। चलिए मैं आप लोगों को गाड़ी तक छोड़ दूंगी। आप क्यों तकलीफ? हम चले जाएंगे ना। अरे तकलीफ कैसे? आप लोग पहली बार मेरे घर पे आए हो, ये तो मेरा फर्स्ट बनता है। आइए प्लीज। तुम यहाँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry प्रथम। हाँ, ठीक है। मुझे शादी के लिए ना नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुमसे अच्छा पति कहाँ मिलेगा? I'm really very sorry प्रथम। हाँ हाँ, ठीक है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हीं से शादी करूँगी। हाँ प्रथम, सिर्फ तुम्हें शादी करूँगी।